हमारे प्लैनेट में बहुत से आइलैंड मौजूद हैं। आप सोचते होंगे कि आइलैंड्स तो बहुत सुंदर होते हैं। जब भी हमारे सामने आइलैंड वर्ल्ड आता है तो हमें सिर्फ खूबसूरती का ख्याल आता है। आप में से बहुत से लोग अपनी छुट्टियां मनाने आइलैंड भी गए होंगे, पर क्या होगा अगर आप ऐसे आइलैंड में हो जिधर से वापस आना नामुमकिन हो। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही पांच सबसे डेंजरस आइलैंड के बारे में। म्यांमार दक्षिण एशिया का एक देश है। इस म्यांमार में एक ऐसा आइलैंड है जहां जाने से आप शायद ही वापस आ सकेंगे। रामरी आइलैंड दुनिया के मोस्ट डेंजरस आइलैंड में से एक। ये आइलैंड वर्ल्ड वॉर टू का एक बड़ा हिस्सा रह चुका है। 1945 में ब्रिटिश सैनिकों ने आइलैंड के मुख्य भाग से जापानी सेना को घने जंगलों में खदेड़ के निकाल दिया था, पर किसी को उस नमकीन समुद्र के राज के बारे में नहीं पता था। वहाँ के विशाल क्रोकोडाइल ने लगभग पूरे सोल्जर्स को खाना बना लिया था। ये किसी जानवर के द्वारा इंसानों को खाए जाने वाली सबसे बड़ी घटना। इस घटना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। तो क्या आप इस आइलैंड में जाना पसंद करते हैं दोस्तों? चौथे नंबर में है मार्शल आइलैंड। ये आइलैंड बेहद ही खतरनाक है और इसके खतरनाक होने के दो मेन कारण है। ये आइलैंड 1946 से 1950 के बीच 20 से भी ज्यादा परमाणु हथियारों की टेस्टिंग साइट था। मैं आपको बता दूं कि इस आइलैंड को 1997 में सेफ बताया गया था, मगर उधर रहने वाले लोग इसको रेडियोएक्टिव होने के कारण सेफ नहीं समझते थे और यहाँ शार्क भी बेहद है, तो यहाँ जाना अपनी मौत को दावा देने के बराबर ही है। तीसरे नंबर पर आता है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे इंडिया का कब्जा है, इसके बाद भी हम वहाँ नहीं जा सकते। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्थित एक आइलैंड है और इंसानों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड में से भी एक। हालांकि यहाँ इंसान रहते हैं मगर हमारी दुनिया की रहन से काफी अलग। इन लोगों से संपर्क बनाने की बहुत बार कोशिश की गई। जब यहाँ कुछ लोगों को भेजा गया तो यहाँ के लोगों ने उन्हें कैद कर लिया। बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच पाई थी। यहाँ पे रहने वाली जनजाति किसी बाहर वालों से कॉन्टेक्ट नहीं रखना चाहती। इनसे जितने भी बार कांटेक्ट बनाने की कोशिश की गई है हर बार नाकामी ही हासिल हुई है। तो उसके बाद सरकार ने इस जगह पर किसी को भी जाने से रोक लगा दी है। दूसरे नंबर पे हम आते हैं जापान, मियाकेजिमा। जापान के होनशू के दक्षिण पूर्व में स्थित एक आइलैंड मियाकेजिमा लगभग 2884 निवासियों का घर है। ये आइलैंड म्यूजियम परिस्थिति के लिए जाना जाता है। ये आइलैंड में हमेशा हाई लेवल वॉल्केनिक एक्टिविटीज का रिसाव जारी रहता है। इस हार्मफुल गैसों के कारण 2000 से ज्यादा लोगों ने इस आइलैंड को खाली कर दिया। यहाँ रहने वाले बाकी के लोग गैस मास्क पहन के अपनी जान बचाते हैं। मियाकेजिमा को वहाँ होने वाली ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। ये आइलैंड में 17,500 भूकंप सन 2000 में आए थे, जिनके कारण ये आइलैंड न सिर्फ निर्जन है बल्कि डरावना भी है। तो पहले नंबर पर चलते हैं दोस्तों। पहले नंबर पर है स्नेक आइलैंड, इलाहादी कुनादा ग्रैंडे, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अटलांटिक महासागर में ब्राजील के तट से थोड़ी दूर ये आइलैंड है। ये आइलैंड लुप्त हुए विशाल बोथ्रुप यानी गोल्डन लैंड स्लैग पिट वाइपर का एकमात्र घर है। ये आइलैंड इंसानों के लिए बंद है और हो भी क्यों नहीं, इतने खतरनाक आइलैंड में आखिर कौन ही अपनी मौत को गले लगाने जाए। हालांकि इस आइलैंड में ब्राजीलियन नेवी और कुछ सिलेक्टेड रिसर्चर्स को जाना ही अलाउड है। तो फ्रेंड्स, ये थे दुनिया के पांच सबसे खतरनाक आइलैंड्स जहां हमें भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।